और यहाँ पे मैं हूँ एकदम मस्त। ठीक है पंजाबी ढाबा, चलो 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 चलिए चलिए चलो पूजा। हे गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये टूर ब्लॉग ख़त्म होता है एंड हम लोग को काफ़ी बुरा लगा और क्या बोले हमें समझ भी नहीं आ रहा बट मनाली से मतलब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कि अब यहाँ पे घूमना पॉसिबल नहीं है और हमारे साथ छोटा बेबी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्नोफॉल अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो कार भी निकालना हमारा मुश्किल हो और चलना भी मुश्किल हो जाए और आज भी कार निकालने में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। अभी हम लोग यहाँ से आज निकल रहे हैं, चलते हैं और आज जाम बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मतलब एक घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं और जो जाम है ना ये गली वाली में, वैसे हमें उस मेन में जाना है वहाँ पर तो वहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है। बैठे निकाल ले रहे हैं अपना सुन हाँ? ये देखो गाइस एकदम हवाओं में बैक के माई सब लोग ऐसे देखेंगे ये सनरूफ से निकल के वीडियो खींचते हैं और क्या खूबसूरत सा नज़ारा, वेरी नाइस। और ट्रैफिक तो भाई पूछो मत, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है एंड इस साइड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है और मैं इसमें वीडियो शूट कर रही हूँ ये भी दिख रहा है बहुत खड़िया है। अभी हम लोग मनाली से नीचे उतर रहे हैं अपने होटल से और हमें मंदिर देखे वो मंदिर ये मनाली का फर्स्ट स्नोफॉल ही है क्योंकि इससे पहले इतना हेवी स्नोफॉल यहाँ नहीं हुआ था, मतलब इस साल का इससे पहले मतलब इस हे गाइस, तो अभी हम लोग मनाली से निकल रहे हैं और अभी हम निकले हैं अपने सनरूफ से और कितना खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही सुंदर सा व्यू है और ये देख सकते हैं तो हम एक बार 500 रुपया सनरूफ का चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं आपको क्या सुंदर सा नज़ारा है। बट यहाँ है ना कि जाम बहुत हेवी लगी हुई, लगभग एक डेढ़ घंटे से हम फंसे हुए हैं। 500 रुपया लेगा आपको? 500 तो बहुत कम है सनरूफ में निकलने का। चलो फिर हम लोग अंदर जाते हैं, ऐसा लगे चलान कट जाए। चलती गाड़ी में कटेगा चलान कटेगा, आई डोंट नो। हे गाइस, कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। और यहाँ पे मैं हूँ एकदम मस्त मस्ती कर रही हूँ और इनका भी देख सकते हो। ओ भाई साहब काफी मजा आ रहा है। जो 5000। हे गाइस, फाइनली हम जाम से निकल चुके हैं और अभी आ चुके हैं हाईवे पे और अब देखते हैं कि आगे कितनी दूर तक हमें स्नोफॉल मिलता है। नीचे अभी हम जा रहे हैं और पहाड़ी से जो हम हाइट पे थे ना, अब नीचे की तरफ हम उतरने वाले हैं। सुंदर लगता है देखने में। तो ये देख सकते हैं एकदम सुंदर सा पुल और नीचे जा रही है पानी। अभी मम्मी ये लोग हैं गाड़ी में, ठंड की वजह से निकला नहीं बाबू की वजह से और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और एकदम सुंदर था। ठीक है चलो फिर, यहाँ हमने कुछ फोटो खींच लिया और इसके बाद अभी निकल रहे हैं और पूजा मम्मी नहीं आई है वजह ये ना बाबू की वजह से, बाबू रो रहे हैं तो हमने सोचा चलो अच्छा सा पॉइंट मिल गया है, तो हमने सोचा एक अच्छा पॉइंट मिल गया है तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, जाते जाते कुछ यादगार सा पॉइंट मतलब कुछ याद होना चाहिए। चलो और नीचे का हाल देख सकते हो स्नोफॉल के बाद क्या होता है, कितनी परेशानी होती है। हे गाइस, तो अभी आ चुकी है खतरनाक वाली मोड़, ये देख सकते हो पहाड़ और एकदम पतला सा रास्ता है और पहाड़ भी ऐसा है ना कि एकदम ऊपर से गुजर रहा है, काफ़ी संकरा सा है, मतलब आप देखने से थोड़ा डरावना भी लगता है काफ़ी प्यारा भी लगता है। कोई कई जगह ऐसा भी है ना कि एक गाड़ी एक बार में ही जाएगा, रोड इतनी पतली है ना तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है तब जाके एक गाड़ी पास करती है।
तो अभी हम गुजर रहे हैं डैम के पास से। ये डैम आपको मिलेगा सुंदर नगर के पहले, इसके बाद है सुंदर नगर। ये हम लौट रहे हैं तब का बता रहे हैं आपको। ये डैम जो है ना, यहाँ पे बिजली बनाने का भी काम करता है और यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। और ये पानी का कलर देख सकते हो, नेचुरल होने की वजह से कितना सुंदर सा कलर आया। तो फाइनली अभी 130 किलोमीटर की ड्राइव हो चुकी है और अभी हम लोग पहुँचे हैं सुंदर नगर। और जहाँ हम जाने टाइम खाना खाए थे ना, सेम प्लेस पर रुके हैं, पंजाबी ढाबा। चलो चलिए चलिए चलो भैया, चलते हैं अभी अंदर। और ऑलरेडी ये लोग जा चुके हैं अंदर। यस, तो हमने खाना पीना खा लिया और अभी यहाँ से निकलने की बारी है। फिलहाल देख सकते हो शिवांश की मस्ती चल रही है और रास्ते में इसको काफ़ी उल्टी भी हुआ है। लेकिन शिवांश किधर है? और इसको पता चल गया कि गाड़ी में नहीं। चलो हे गाइस, तो मनाली में जितना मज़ा आया ना, उससे ज़्यादा हम लोग परेशान और थकान भी हो गई ज़्यादा। वजह ये थी ना कि जो मनाली का रास्ता है ना, वो 300 किलोमीटर का है। तो एक बोल सकते हो कि लगभग लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता पहाड़ का है। 150 किलोमीटर मतलब सीधा रास्ता है जो मतलब शहर होके गुजरता है। बट रास्ता इतना डिफिकल्ट था ना कि सभी की हालत ख़राब हो गई। और फाइनली हम लोग अब घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी देर लगा, लगभग लगभग 7 घंटे टाइम लगे, देर नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हम अपना लगेज वगैरह जल्दी जल्दी उतार रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नींद भी आ रही है और सभी लोग थक चुके हैं। और यहाँ पे अभी सचिन भाई से हम लोग बात कर रहे हैं डैड की, अब रुक जाओ, इन्हें जाना था यहाँ से 100 किलोमीटर। रास्ते पर हमने बोला कि आप लोग को रुकना है, बट फिर भी इन लोगों का जीत है कि नहीं, हम चले जाते हैं। उनका पता नहीं कुछ अर्जेंटली काम है, वहाँ पे घर वगैरह भी बन रहा है और कुछ इनको काम भी हो सकता है। हमने काफ़ी रोका, काफ़ी प्रयास भी किया, बट फाइनली ये लोग बोले कि नहीं, हमें निकलना है। आइए आइए, अरे चलो अंदर नाश्ता लग रहे जाना। अरे चलो नाश्ता करेंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे। तो रास्ता तो पता ही कुहासा बहुत। अरे रुक जाते तो मेरे। हे गाइस, मनाली से आए हैं ना? आ गए लोग नीचे, इसीलिए। चलो मैं गाड़ी रोक। अरे कोई बात नहीं। एक फोटो मुझे, एक फोटो लेना, एक फोटो लेना है बस। ठीक है, तो हालत ख़राब हो गई है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और सचिन भाई को बोल रहे हैं रुकने के लिए, बट ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। 100 किलोमीटर इज नथिंग फॉर मी, वो मुझे पता है, बट कुहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रुक जाओ, बेटर रहेगा। कहाँ कुहासा है यार, यहाँ नहीं है, ये शहर है, बट इलाका वो गाँव है थोड़ा सा। वो नहीं, जब वो नहीं करो, वो नहीं करेंगे, ऐसा ही काम है। बाय शिवांश, बाय, जा रहे हम लोग, फिर आएंगे। नहीं, उसका उसका मन है कि रुको। चले जाओ, चले जाओ, इसके पास चला जाएगा, वहां भी गया था। अरे तुम संभाल के बच्चे को, चल ठीक है, बाय शिवांश, बाय। बाय नहीं बोल उसको, ठीक है, बाय बोल के मत जाओ। वो बोल रहा है कि रुक जाओ तुमको, ठीक है, वो बोल रहा है नहीं जाओ। ठीक है, तो ये लोग माने नहीं, इनको जाना है। और शिवांश काफी रो रहा था। चलो बाबा, और इस ब्लॉग से विदा लेते हैं, बाकी थक चुके हैं। मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट ब्लॉग में, मकर संक्रांति वाले ब्लॉग पे। बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय माता दी।